गाइस, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडुनेस्ट में वेलकम है। गाइस, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, क्लास सिक्स का, जो कि सीटेट, एबीएस, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो हम लोग जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो है शरीर में गति के बारे में पढ़ रहे हैं, और अब जो है उसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ चुके हैं, एनिमल्स का पढ़ रहे हैं, जिसमें दो तीन पॉइंट हो चुका है। और आज की क्लास में हम लोग फिश के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स में फिश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग पॉइंट्स, इसका फिश से रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या है। मछली का सिर उसका जो हेड होता है, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग उसका जो मिडिल पार्ट होता है भाग के अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है, पतला एवं नुकीला होता है, नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? धरारेखीय कहलाती है, जो मछली को तैरने में सहायक होता है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल में, मतलब वाटर में, इधर उधर बहकर निकल जाता है। स्विमिंग करने में इसको आसानी होती है, निकल जाता है। निकल जाता है और मछली जल में इजीली स्विम कर पाती है। का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से इजीली स्विम कर लेता है। मछली जल में सरलता से तैर सकती है, और तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है, पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। इसके बारे में इतना ही मेन पॉइंट्स है, और अब जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्नेक के बारे में भी देख लेते हैं, स्नेक के बारे में और क्या है इसमें। और आज ये जो चैप्टर चल रहा है ये लास्ट ही है। अब हम लोग स्नेक सर्प के बारे में
देखते हैं। सर्प का मेरुदंड, सर्प का मेरुदंड, मेरुदंड लंबा होता है, लंबा होता है। शरीर की, शरीर की पेशियां क्षीण होती है, क्षीण एवं असंख्य होती है, और संख्य होती है। अगला पॉइंट है पेशियां मेरुदंड, पेशियां मेरुदंड पसलियां, पसलियां एवं त्वचा, त्वचा स्किन जो होता है को एक दूसरे से जोड़ती है, को एक दूसरे से जोड़ती है, एक दूसरे से जोड़ती है। फिर सर्प का शरीर, सर्प का शरीर अनेक, अनेक वलय, वलय मतलब रिंग के शेप का तरह का होता है, वलय में मोड़ा होता है, मोड़ा होता है। सर्प सरल रेखा मतलब सीधी लाइन में, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं चलता है, में नहीं चलता है। आप जो चाहिएगा ऐसे चले वो वैसे नहीं चलता है, ऐसे ऐसे इसका चलने का रहता है जब वो चलता है। गेट ऑफ एनिमल, गेट ऑफ एनिमल नामक पुस्तक, नामक पुस्तक अरस्तु द्वारा लिखी गई है, अरस्तु द्वारा लिखी गई है। गाइस आज की क्लास में इतना ही है, और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं शरीर में गति वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जो एक बुक लिखी गई है एनसीईआरटी में दिया हुआ है अरस्तु के द्वारा, गेट ऑफ एनिमल अरस्तु के द्वारा लिखा गया, तो इस बुक को भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में अगर ये बुक का नाम आ जाए तो हम लोग को अचंभित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कुछ पॉइंट्स स्नेक के बारे में और कुछ फीस के बारे में इतना ही था आज के इस क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।